दुनिया की सबसे कंफर्टेबल क्लासरूम है, अगर मेरी क्लासरूम जैसे होती। इस क्लासरूम में भी तुम सेकंड आते। I was an outstanding student. कहाँ तक पढ़े हो? मैं यहाँ तक। ऑर्गन्स को ह्यूमन बॉडी का कौन सा सिस्टम कंट्रोल करता है? मेरे सवालों का कोई तो और जवाब दो ना। मलाई का लस्सी है आपके लिए। मेरे को संजू सर ने बताया है। आप दोनों को मिलते हैं हाई प्रोटीन अंडे। इन दिस ग्रीन योर लुकिंग लाइक अ हरा भरा कबाब। परा मैम मैं क्या कर सकती हूं? पांच आप कुछ मत करो, मैं पांच दे रही हूँ। ओ ये क्योंकि ये फिर वो वाला डांस करें। कुशा के साथ ये एपिसोड करके मुझे बहुत गौरव मिला। Shanti. Oh my God. Shivoham Arjun. Shivoham Billy Masi. पूछोगे नहीं कि मैं यहाँ कैसे? तुम यहाँ कैसे Billy Masi? Well, जहाँ दूध वहाँ Billy Masi. Oh, I mean जहाँ दूध वहाँ Billy Masi. वैसे तो मेरे पास already PhD है. Oh wow. PhD? Yeah, posh house in Delhi. But backbencher Billy sounds like such a Vatavaran, South Delhi name. I love it. So, main aa gayi. What about you? मैं तो इस backbench की history में अपना नाम लिखवाने आया हूँ. मैं इस classroom की मिट्टी के एक कण के लिए भी मरने को तैयार हूँ. What to AK? Are you okay? What happened? Why are you talking like some Marathas babu? क्योंकि मराठा ही backbench के भूमि के योद्धा है. History में थोड़ा strong हो गया आजकल because of my new film पानीपत. देखो तुम्हारी फोटोज की लाइक्स और तुम्हारी फिल्मों की हीरोइनें कभी कम ना हो. आइए अपने अपनी सीट लीजिए. यार ये दुनिया की सबसे कंफर्टेबल क्लासरूम है, अगर मेरी क्लासरूम जैसे होती. करेक्ट. इस क्लासरूम में भी तुम सेकंड आते सोचो. वैसे मेरे साथ है कपूर खानदान के चिराग. इन्होंने यहाँ मारी एंट्रियां और सारी लड़कियों की दिल में बजा दी. क्लास के गुंडे जो टू स्टेट्स में ही नहीं हर स्टेट में बेस्ट है. प्लीज वेलकम माय वेरी डियरेस्ट अर्जुन कपूर. और उनके साथ है हमारी सोशल मीडिया की दीवा. वैसे मेरी बेटी का नाम है दीवा. हेलो जी बेटा जी. क्लास में फैंसी कपड़े पहन के कौन सी पनिशमेंट लेने चले? करेक्ट. देखा जिनकी वजह से साउथ दिल्ली गर्ल्स वर्ल्ड फेमस हुई है गुड़गांव में, द मल्टी टैलेंटेड कुशा कपिला. बोथ ऑफ यू ऑल वेलकम टू बैक बेंचर्स. थैंक यू. आपको मैं बता दूं आज आप में से कोई एक बनेगा मेरी कवेटेड क्लास ऑफ 2019 का बैक बेंचर ऑफिशियल. अच्छा मुझे लगा ये आपकी अगली पिक्चर की पूरी कास्ट है. नहीं इसमें कोई कपूर मौजूद है. अरे अनिल अनिल टॉप पे. चाचू को कभी ग्रेजुएट की डिग्री लाइफ में नहीं मिली, यहाँ आके मिल गई. द मोस्ट सक्सेसफुल कपूर इन एजुकेशन आल्सो. तो इससे पहले कि हम अपना एडमिशन टेस्ट शुरू करें, बैक बेंचर्स के पूरे खानदान से आप आते हो, कहाँ तक पढ़े हो आप? मैं यहाँ तक. फ्रंट बेंचर थे कि बैक बेंचर? मैं बेंच पे ही नहीं था. टीचर के डेस्क पे तो नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, पहले मैं बहुत मोटा बहुत परेशान था. लेकिन मैं बहुत शरारती भी था और मेरी आवाज को 6 साल के लिए स्कूल में फट रही थी, तो हर बार मैं टीचर से ऐसे बात करता था तो उनको लग रहा था कि ये गदाधारी भीम को हटाओ यहाँ से. तो मैं सॉरी टीचर ऐसे. बट मोर देन दैट मैं जेन्युइनली ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था पढ़ाई में. मैंने ज्यादा समय आउटसाइड ही बिताया. मैं क्लास के बाहर बैठ के आई वाज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट. तो मैं बैक बेंचर नहीं, मैं आउट बेंचर था एक्चुअली. और कुशा आप तो मुझे लग रहे हो फ्रंट बेंचर होंगी एकदम. मैं टीचर्स पेट. टीचर्स आस्क मी समथिंग आई विल बी लाइक यस मैम आई विल. बट देन वन डे आई फ्लिप्ड. ऐसे मैं रिबेलियस हो गई एंड फिर उसके बाद मैं ऐसे स्कूल में पटाखे बजाती थी. खुद तो पटाखा थी तुम और पटाखे बजाती भी थी. नहीं एक्चुअली मेरी भी हिस्ट्री थोड़ी ऐसी ही है. आई वाज आल्सो अबाउट आई वाज बिग. आई वाज अ बिग गर्ल इन स्कूल एंड देन आई ट्राइड टू लूज सम. एंड नाउ यू आर बिग ऑन सोशल मीडिया. गिव इट अप फॉर कुशा कपिला. ग्रेट. वैसे हमारी स्कूल में परंपरा प्रतिष्ठा और अनुष्का शासन
बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसमें मेरी एजुकेशन कोई मायने नहीं रखेगी ना? जनरल नॉलेज नहीं, बिकॉज मेरे पास है नहीं इसीलिए। देखो यहाँ पर आपको अगर आंसर भी नहीं आता है, आप डीन को रुझा कर बड़ी अच्छी लग रही हो तुम। इन दिस ग्रीन यू आर लुकिंग लाइक अ हरा भरा कबाब। ठीक है, सो लेट्स बिगिन टेस्ट नंबर वन। ओ इतने फास्ट? हाँ हाँ, बड़ा फास्ट है हम। ओरल टेस्ट, 5 क्वेश्चंस। राउंड वन क्वेश्चन नंबर वन, डेट्स, जो मुझे है नहीं आजकल, मैं बहुत बिजी चल। यानी खजूर। डेट्स यानी खजूर किस टाइप के पेड़ पर उगते हैं? जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन वन कोकोनट ट्री, ऑप्शन टू पाइन ट्री, ऑप्शन थ्री पाम ट्री, ऑप्शन फोर बर्च ट्री। आपके 45 सेकंड। खजूर कहाँ पर उगते हैं? मेरे सर पर उगते हैं। आप दोनों को मिलते हैं हाई प्रोटीन अंडे। हाँ नहीं, पाम, ऑफ कोर्स, पाम था, मुझे पता था। डेजर्ट में ओएसिस के पास ऐसे पाम ट्रीज होते हैं, उस पे खजूर। अरे यार 11th फेल हूं, मुझे क्या ये सब पता। आपके डेट्स जो थे स्कूल में शुरू हो गए थे? हाँ स्कूल में, मैं सोनम की डेट पे मैं प्लस वन बन के गया हूँ, ये मेरी अचीवमेंट। बट यू वर ऑलरेडी प्लस टू एट दैट। या सो इट वाज प्लस थ्री, और हम जाते थे रेस्टोरेंट में, नया नया तभी खुला था मैकडॉनल्ड्स। सोनम इतनी ओल्ड है? सोनम अभी तो शादी हो गई, सोनम ओल्ड है, मेरी जितनी ओल्ड है। बट सोनम के साथ जब व्हेन शी स्टार्टेड डेटिंग दिस बॉय, ऑब्वियसली माँ बाप थोड़े थे कि अरे भाई पढ़ाई पे ध्यान दो वगैरह वगैरह। कट टू होता था क्या कि मैं जाता था सोनम के साथ, लड़का आता था यहाँ से, वो अपनी एक दोस्त को लेके आता था, सोनम और लड़का बैठे एक टेबल पे बिना कुछ खाए हुए, और मैं बैठा हूँ। तब से नहीं खा रही है? हाँ वो तब से नहीं खा रही है, और मैं उसका शेयर तब से खा रहा हूँ। और मैं दूसरे टेबल पे, वो दूसरे रैंडम इंसान के साथ, मैं अपना बर्गर खाता था। तो आई वॉज एक्चुअली अ डेट टू द डेट, इसीलिए मैंने ज्यादा खजूर पे ध्यान नहीं दिया, बिकॉज मुझे बर्गर मिलते थे। क्या बड़े हंस रहे हो तुम लोग रॉन्ग आंसर पे। Kusha, used to go to Nirulan's for your date? No, no, absolutely not. मैं बहुत ही शाय किस्म की थी, तो मैं सिर्फ अपनी गली में जहाँ पर मैं रहती थी वहीं पर बस चुपके से ऐसे एक रोज देकर आती थी और ऐसे भाग के अपने घर आ जाती थी। कैसे शर्माती थी बताओ मुझे। इतना अब्रप्ट? ऐसे लग रहा हो रोज में मधुमक्खी। But plot twist, there was a plot twist. The guy was giving me a rose because उसको मेरी best friend को पटाना था, तो काफी मेरे साथ बुरा हुआ था। मुझे लगता सवाल जवाब नहीं, बातें करके घर जाते। Question number two, Metro Man of India के नाम से किसे जाना जाता है? Your options are option one, G. Madhavan Nair, option two, Manju Singh, option three, Ashwini Lohani, option four, E. Shridharan. I know. आपका 45 second शुरू होता है अब। कोई हिंट दो ना। नो देखो दो तो लेडीज का नाम है, वो तो आउट ही हो गई। नहीं वो इन है मुझे लगता है। मेट्रो मैन, शूल, शूल के डायरेक्टर का क्या नाम था? आपने प्रेस किया ई श्रीधरन, आप दोनों ने, क्यों? क्योंकि ई निवास थे शूल के डायरेक्टर। तो आपको मिलता है 10 मार्क। Thank you. ई श्रीधरन मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते हैं। कुछ आपको अर्जुन के लिए कोई टाइटल देना हो तो क्या दोगे? भागड़ बिल्ला। हाँ भागड़ बिल्ला, भागड़ बिल्ला। जॉलाइन देखो, जॉलाइन देखो, ओहो नाक तो देखो कितनी नुकीली। भागड़ बिल्ला, वुल्वरीन, साउंड लाइक अ डब्ड फिल्म। आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के। प्लीज, 10 ऑर्गन्स को ह्यूमन बॉडी का कौन? सेक्स ऑर्गन्स को। ऑर्गन्स को ह्यूमन बॉडी का कौन सा सिस्टम कंट्रोल करता है? द ऑप्शंस आर ऑप्शन वन सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑप्शन टू नर्वस सिस्टम, ऑप्शन थ्री एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑप्शन फोर एंडोक्राइन सिस्टम। 45 सेकंड शुरू होते हैं अब, सोचो। मेरे सवालों का कोई तो और जवाब दो ना। ये खुद इनको पता नहीं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलेंगे ये। नहीं एक्सक्रीटरी तो बिल्कुल नहीं है। लिखा नर्वस, क्यों आप नर्वस होती है जब आपको सेंस वाले कुछ काम करना होता है? आप जैसे आप मूवीज बनाती हैं। हाँ जी,
एपिक स्टेप कराती हैं जब एक्ट्रेस करती हैं ऐसा सब मैंने कभी नहीं करा है लेकिन ओके तो यू नो एक्ट्रेस नर्वस हो जाती है तो ऑब्वियसली उस तरह का सेंस नर्वस सिस्टम ही तो मेंटेन करे इनको बता दो इसे स्टेप नहीं कहते इसे हवस कहते हैं आप कभी नर्वस होते हैं अर्जुन जब मैं नर्वस होता हूँ तो मैं ऐसे गंदे गंदे अश्लील जोक्स क्रैक करता हूँ नर्वस सिस्टम ऑफ द राइट आंसर अरे मेरे प्लीज रहने दो यार इतना इंटेलिजेंट हूँ सबको पता होगा Transfer. Option 2, Nautical Engineering Faculty and Training. Option 3, Neutral Electronic Funds Transfer. Option 4, National Electronic Funds Transmission. 45 seconds शुरू होते हैं अब. इन्होंने ऑलरेडी फास्ट फास्ट दबा दिया लेकिन मैं आरटीजीएस एनईएफटी का जमाना है नहीं हमको भी आरटीजीएस समझ आता है और नेफ्ट से भी जाते हैं बेटा ये वाले पैसे आईएमपीएस तो नेशनल होगा ना न्यूट्रल का एक घंटा हो बीएम से भी जाते हैं बीएम से भी जाते हैं अरे रुक चुप हो जाओ यार तुम दोनों लग रहा है इसको बहुत सालों से मिला नहीं है नेफ्ट ट्रांसफर कैश कैश अगर यशो जीत गया तो दोगी नेफ्ट हाँ आप दोनों का आंसर सही है आपका पहला जो पे था क्या अमाउंट था कुशा मेरी पहली सैलरी का पहला अमाउंट था 17,000 रुपए 17,000 की सैलरी 17,000 ये कहाँ पर तुम काम मैंने भी इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने सी क्या ओल्ड वे यू आई वाज 21 इयर्स ओल्ड एंड मैंने अभी अपना एज अ फैशन राइटर अपनी जॉब शुरू करी थी और 19,000 की मेरी सैलरी थी और कट पट के छीट पाट तुम के फैशन राइटर मेरे साथ वो पहली सैलरी थी मुझे 17,000 रुपए टिल 21 ये मूव की रोटियां तोड़ रही थी बिल्कुल घर पे बिल्कुल आई हैव नो क्वाम्स इन एक्सेप्टिंग दैट यस थैंक यू पापा क्या किया वो सैलरी का वो 17,000 मैं सेव करती थी वो सैलरी ताकि मैं गोवा के ट्रिप पर जा सकूं मम्मी पापा के लिए कुछ नहीं लिया ना अब उस टाइम तो नहीं लिया था अब थोड़ा लेते हो आउटसाइड आर यू मैं कालोनाओ में एडी था ठीक है असिस्टेंट था मैं असिस्टेंट कम बोझ ज्यादा था मुझे मिलते थे मैं गाने में कर रही थी हाँ तो मुझे मिलते थे उस वक्त 3,000 रुपए पर वो सब काट वाट के आते थे 2200-2300 हाथ में तो मेरी पहली चेक जो मुझे मिली थी मैं देखो मैं 17 साल का था मैं 11th फेल कर चुका था उस समय तो मुझे कुछ नहीं पता था जिंदगी में क्या करूँगा लेकिन इतना पता था कि मैं सिनेमा से बहुत प्यार करता आई वॉन्टेड टू डू समथिंग मुझे पहला चेक एक्चुअली यश जौहर के सिग्नेचर से मिला करण जौहर के ऑफिस से और मैंने जाके अपनी दादी को दिया था बिकॉज आई एट दैट पॉइंट आई न्यू माई ग्रैंड पेरेंट्स वर मोर वरिड देन माई पेरेंट्स की मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं पाऊंगा सो आई थिंक शी फेल्ट हैप्पी तो इन ऑल जेन्युइननेस दैट वॉज माई फर्स्ट चेक उसको खर्च नहीं किया मैंने रख दिया था गुड पंजाबी बॉय गेव इट टू ग्रैंड मदर एंड गुड पंजाबी गर्ल सेफ फॉर गोवा ट्रिप गोवा ट्रिप चलो आते हैं वेलकम टू 2019 दोस्त आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच इज योर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द ओरल टेस्ट इनमें से क्या मैंगो यानी आम का एक टाइप है ऑप्शन 1 कुफरी ऑप्शन 2 फ्री तो नहीं होगा मल्लिका ऑप्शन 3 मंजान अरे शांत हो जाओ वो मलाइका है ये मलिका है आइका और इका का फर्क है ऑप्शन 2 मलिका ऑप्शन 3 मंजानो ऑप्शन 4 हरीजा आपके 45 सेकंड ऑल दिस वुमेन साउंड अट्रैक्टिव टू मी बट कुफरी 2 कंफ्यूज मत करो कुफरी 2 आई थिंक हम डिस्कस करके कर लेते हैं मलिका मैंगो मलिका मैंगो फर्स्ट वन नॉट डेफिनेटली 3 एंड 4 कुड बी आई थिंक इट्स हरीजा आपको रॉन्ग आंसर भी दे सकती है no. नहीं पर वो क्या प्रेस करेगी मैं देखूंगा ना उसको अब तो कोलैबोरेशन कर लेना टाइम वहाँ है टाइम मंजानो साउंड्स लाइक अ इंपोर्टेड मंजानो साउंड्स लाइक अ ड्रग डीलर या इट साउंड्स लाइक अ इंपोर्टेड मैंगो हरीजा दबाओ तुम दबाओ ना पहले आप नहीं पहले ना आए पहले साथ में दबा दो दबाओ 1 2 आई थिंक इट्स देखो अगर आपने जो आपके दिल के करीब है वो दबाया होता मलिका वो एक आम है आम है oh, damn!
नहीं नहीं, पर देखो फैक्ट है मेरे लिए तो वो बहुत खास है, अभी मुझे आम का पता नहीं। क्या बात है, करेक्ट आंसर मल्लिका, और आप दोनों को मिलते हैं आम क्या गुटली, मतलब जीरो। Can you just put some points in my cart? आप दोनों कुछ एक सीन कर लो साथ में, तो मैं पांच पांच नहीं इसी के साथ सीन कर लेता हूँ। अच्छा तू ये क्या सीन है, ये तो माइनस पॉइंट्स मिलेंगे तुझे। मैं क्या सीन करना, बताओ के साथ किया होता तो पॉइंट्स मिलते तुझे। तो क्या सीन है बताओ, ऐसे मैं बीच में आ गया हूँ। एक नई पिक्चर आने वाली है कैट्स, आई वॉन्ट यूर बोथ टू डू अ सीन लाइक कैट्स दैट आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर एंड ऑल्सो रिपेलिंग ईच अदर एंड एक्शन। अब दोनों को पांच पांच मार्क्स मेरी तरफ से ग्रेस। तो टोटल स्कोर्स ऑफ राउंड वन आर 25 करोड़। कुशा को मिलते हैं 35 मार्क्स आउट ऑफ 50। पास हो गई तुम। अर्जुन को भी मिलते हैं 35 मार्क्स आउट ऑफ 50। मुबारक हो, मुबारक हो। Would you like to thank Farah and me because we helped you? We did. I would like to thank my fans. जिनके बिना मैं यहाँ नहीं होता। शिवाहम, शिवाहम, शिवाहम। अर्जुन सर नमस्कार। नमस्कार। ज्ञान का ढाबा जब आ जाएंगे तिवारी बाबा, और इससे पहले हम आपका आईक्यू वगैरह टेस्ट करें, आपके लिए कुछ लाए हैं। फौरन गाय का दूध है आपके लिए। और सर आप ये हटाइए। नहीं। अरे सर हटाइए। अच्छा सर हम ही हटाए देते हैं, ये मलाई का लस्सी है आपके लिए। Brother, I'm lactose intolerant. इधर ला वो लस्सी। ये लीजिए मैडम। सवाल ये है कि आप लोगों के हाथ में, दोनों के लिए सवाल है, तीन हाथी जो हैं एक लाइन में जा रहे हैं। वाओ। पहला हाथी सोच रहा है या कहता है कि मेरे पीछे दो हाथी हैं। जो बीच वाला हाथी है वो कह रहा है कि मेरे पीछे एक हाथी है। जो सबसे पिछला वाला है वो कह रहा है कि मेरे पीछे भी दो हाथी हैं। बताइए क्यों? सर्कल में जा रहे हैं। सर्कल में जा रहे हैं। तीन हाथी का सर्कल देखे हैं आप कभी? सवाल देखे हैं हमने कभी? जो बिल्ली मौसी होती है उनका सर्कल हो सकता है, हाथी का सर्कल नहीं हो सकता। अरे भाई कुछ जवाब है तो दे जल्दी। हाँ मैडम जवाब है, तीसरा हाथी झूठ बोल रहा है। ये काम कर, ये लस्सी ले जा। जी मैडम। और तू भी जा साथ में। अच्छा मैडम। अब हम आते हैं हमारे सेकंड राउंड पे, विच इज द रिटन टेस्ट। आप दोनों अपने ब्लैक बोर्ड पे ये चार लेटर्स लिखिए। चार लेटर्स? अल्फाबेट्स आई एन एम यू। अब आप दोनों को 45 सेकंड्स में इन चार लेटर्स को ही यूज कर करके एक सात लेटर वर्ड बनाना है। आपका टाइम शुरू होता है नाउ। ये चार लेटर्स को यूज कर करके सात लेटर का वर्ड बनाना है। सात लेटर का? सात अल्फाबेट्स का वर्ड बनाना है। मिनिमम एक वर्ड तो बनाना ही है आपको। कैसे? मैक्सिमम आप कितना भी बना सकते हो, लेकिन मिनिमम एक वर्ड तो बनाना ही। मतलब एक वर्ड कोई नहीं सुन रहा मेरा। फाइव किसी ने तो मेरा क्लू समझा। लिख दिया। आपको कुछ करना है पांच मार्क्स ग्रेस के लिए। यस करो, आओ। फरा मैम को टीचर बनते देख भीषण गरम लगछे। इतनी सारी ऑडियंस को देख के गौरम लग छे, एंड अर्जुन से हार के तो बिल्कुल भी गौरम नहीं लग छे, ठंडा लग छे। कुशा के साथ एपिसोड करके मुझे बहुत गौरम लग गौरम लग छे, गौरम। पर मेरे को 5 मार्क्स के लिए बहुत गौरम। अरे ढाई दे दो। 5 मार्क्स। अरे मिल गए। क्वेश्चन नंबर टू। आपको इन वर्ड्स की हिंदी स्पेलिंग लिखनी है। हिंदी स्पेलिंग? हिंदी मतलब हिंदी में लिखना है। पानीपत से सीधा आते हुए द फर्स्ट वर्ड इज
साम्राज्य साम्राज्य इनसे ना ही कॉपी करो तो बेटर है कुछ आई थिंक क्यों नहीं कॉपी करो भाई चलो कर लो शौक से मैं तो तुम्हारे बोर्ड की तरह देख नहीं रहा sure it's a j का आधा मैं 100% मेरे को संजू सर ने बताया है अर्जुन ने लिखा है साम साम्राज्य सामरी का साम और राज्य और आपने लिखा है साम्राज्य राज्य और करेक्ट स्पेलिंग है साम खुद तो चेक करके लिख रही है हाँ वही देखा मेरा वो मात्रा मिस हो गई ठीक है तो मैंने र पूरा लिख दिया इंस्टेड ऑफ बट आई वाज क्लोजर आई जस्ट वांट टू से माय ज जस्ट अच्छा आप भी देखो कौन करीब था ज्यादा गौरव लाख से पांच मांग कोई गौरव लाख से नहीं अरे देना पांच मांग दे दे अरे पांच मांग दे दे अरे पांच मांग दे दे नहीं मैं तो दे दे पांच मांग दे हां ओके ठीक है हां दिस इज नॉट अरे मेरा ड्रेस खींच रहा है नहीं अरे वो क्या करूं ड्रेस खींचना अलाउड नहीं है यहां पर बोले तो मेरे को बाबा ने जितना सिखाया था मैं उतना ही सीख के आया दूसरा वर्ड जो आपको लिखना है ओ एक और वर्ड है शिट सौंदर्य ए रुक मेरा वो चल रहा है ए रुक योर टाइम स्टार्ट्स नाउ हां सर हां सही सर तो तो करेक्ट शो नहीं मैं कुछ नहीं लिखा है क्या लिखा तूने इट्स आई थिंक दिस बट और आई एम गिविंग टू ऑप्शंस जस्ट इन केस और आई विल जस्ट परफॉर्म ऑन सम सॉन्ग आई हैव टू विन दिस No, this is wrong. It has to be what I'm written. This feels right. Saundarya. Dal de kahi bhi. Dono dal diye maine. Kuch bhi bol. Wo ra aata hai na saundarya ka. Ha, wo hi upar aata hai na. Wo ye aata hai na aisa. Dono dal diye just in case one side. Aise aata hai. Ha, aise. आपका अरे अर्जुन सर आपका सौंदर्य रे 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 हो गया नहीं वो ऊपर का रो मैंने नीचे डाल दिया वो जाना था जापान पहुंच गए चीन बस पर मेरा इमोशन करेक्ट है ये भी हो गया ये मेरा इमोशन करेक्ट है नहीं इमोशन से फर्क नहीं पड़ता मैं निकला अगर आप दोनों हमारे बैक बेंचर्स के उस पे डांस करेंगे आप दोनों को पांच पांच मार्क्स पर अच्छा डांस करना है मैं बहुत ज्यादा डांस करने को मेरे को 10 नंबर चाहिए जो अच्छा करेगा उसको मैं 10 नंबर दूंगा ओके बेटी तुम टाइगर श्रॉफ नहीं हो कि तुमको 10 नंबर मिलेंगे डांस टाइगर श्रॉफ में डांस में 100 नंबर मिलने चाहिए आ जाओ दोनों बीच में लो आए बैक बेंचर है ये डीट दो बड़े बैक बेंचर वो छुपाती है बड़े बैक बेंचर सवार से गिरे बैक बेंचर मेरा डांस आउटस्टैंडिंग था यार हाँ सर हाँ सर पब्लिक को सहला के ये नंबर लिए गणपति बाप्पा मो अर्जुन आप जय महाराष्ट्र यार आपको पांच क्या आपको पांच मार्क मिलते हैं ओके वेरी गुड कुशा आपने बिल्कुल वैसे डांस किया जैसे तब्बू ने चांदनी बार में ऐसे तो इस डांस के लिए आपको अंडा मिलता है आगे चलो क्वेश्चन नंबर थ्री अब मैं आपको बोलूंगी कुछ इंडियन स्टेट्स के नाम आपको उनके कैपिटल्स के नाम लिखने हैं आपके 45 सेकंड शुरू होते हैं अब लिखो बिहार का कैपिटल क्या है हिंदी में नहीं नहीं इंग्लिश में आ, फिर हिंदी में लिख रहे हो तेरे को ना केरला तिरुवनंतपुरम तिरुवनंतपुरम देखा असम पता था मुझे सर बोलना नहीं है असम 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 का अरे रुको रुको गुवाहाटी गुवाहाटी असम फिर नागालैंड वन मैं बोल रही हूँ ना अरे रुक जाओ यार पुरम ये क्या है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा छत्तीसगढ़ इन सबके कैपिटल पंजाब पंजाब का तो मुझे पता है राजस्थान और ओडिशा भुवने नो लिखो जल्दी लिखो टाइम अप क्या परफॉर्म किया मैंने ये जो आप लोगों ने चीटिंग की है नहीं टिक मार्क करो चलो आओ टिक मार्क करो बिहार मैं नहीं करने वाला बिहार का कैपिटल है पटना ठीक केरला का है तिरुवनंतपुरम जो भी है इमोशन करेक्ट है हाँ. आसाम का है दिसपुर ओह वाओ आई एम ऑन अ रोल नागालैंड का है कोहिमा छत्तीसगढ़ का किसी को नहीं मिला वो था रायपुर आई डोंट नो पंजाब का मुझे पता था चंडीगढ़ वाओ और बताओ चंडीगढ़ किसका है अर्जुन राजस्थान का था चंडीगढ़ सड्डा सी और ओडिशा किसका है और बताओ भुवनेश्वर तो राजस्थान का आपको कितने राइट मिले उनको सारे छह मिले मेरे को नहीं आपको सात राइट मिले मुझे छह मिले तो आपको मिलते हैं जो मैं नाचा था उसके लिए मुझे पांच पॉइंट और मिलेंगे आपका
आपको मिलते हैं 10 मार्क्स, इनको मिलता है अंडा। ए, 5 तो मिलना चाहिए। तुषा को मिलते हैं 10 मार्क्स और अर्जुन को मिलता है अंडा। अंडा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द टेबल्स ऑफ क्या 17 पूरा खुला खुला चीटिंग हो रहा है। अरे 89 है यार, क्या करिए तू। अरे क्या बस रुका, 170 तो करेक्ट में। वेट 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 34 51 68, गलत है। 85 को 75 कैसे हो गया, रॉन्ग है। नहीं रॉन्ग। 102 का 92 कैसे हो गया। ओह डैम, सब गलत है। 100 मैं पहले बोला था। आपका करेक्ट है 1 2 3 4, ये भी रॉन्ग है। नहीं मैं औकात से मेरा 4 तक ही था। आपके कितने, आपके भी 4, आपके भी 4, बस दोनों को 5-5 पॉइंट। करेक्ट, आप दोनों को मिलते हैं 5 मार्क्स। वाओ। अब आपका होगा एक प्रैक्टिकल टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि हमने नॉन सेक्सिस कप्स आप दोनों के लिए रखे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर इन कप्स को ऐसे फेंकना है कि उनका लैंडिंग पोजीशन डाउनवर्ड हो और वो एक के ऊपर एक कप्स की पाइल बनती जाए। आपका टाइम शुरू होता है अब। ये कुशा इतने लो से कर रही है। कुशा मुझे नहीं पता था तुम इतना झुक जाओगी जिंदगी में। झुक जाओगी, तुमने इतनी टेबल कॉपी की है। अलाउड नहीं है, ऊपर से ऊपर से। हाँ अरे आई वांट इट यार। मेरे लिए भी चीयर कर लो। ओ की लड़कियों, व्हाट अ गर्ल पावर। ओ गेटिंग इट ऑन। ऐसे ना कर लूं मैं। इसका विनर है अर्जुन, क्योंकि उसने फेयर एंड स्क्वायर सारे कप्स एक दूसरे के ऊपर डाले। ओनली राउंड प्लेट फेयर एंड स्क्वायर। आई थिंक आई एम अलाउड वन। क्या चाहिए तुम्हें? एडवांटेज चाहिए मुझे। फिल्म मास्टर मेरा एडवांटेज ले लो। अब आपको एडवांटेज ही चाहिए तो मेरा। मुझे आपका एडवांटेज है, मुझे इस गेम का एडवांटेज चाहिए। कितने मार्क मिलते हैं मुझे? 10 मार्क्स। मैं इनको 2 दे देता हूँ, रख। 5 तो अर्जुन मेरा टेबल। तू भागे नहीं क्या? मुझे वापस पूरे 10 मेरे। पर मैम मैं क्या कर सकती हूँ? 5 आप कुछ मत करो, मैं 5 दे रही हूँ। ओ ये क्यों? क्योंकि ये फिर वो वाला डांस करेगी। मुझे वो करना है। नहीं मुझे वो एक बार डांस करना है ऐसे ऑफ बीट। प्लीज कोई भी म्यूजिक लगाओ मैं इनके साथ। वन सेकंड, आई डोंट डांस ऑफ बीट। दैट वाज मी एक्टिंग लाइक वन ऑफ पेंशन है ये डीट तो बड़े बैक पेंशन कुछ पाती है बड़े बैक पेंशन सवाल से गिरे बैक पेंशन लगने वाली क्लास यहां बड़े बड़े सितारों की लगने वाली क्लास यहां आपको पूरे 10 मिलते हैं। तो राउंड 2 में आप दोनों के मार्क्स है, अर्जुन आपको मिले 30 मार्क्स और कुशा आपको मिले 25 मार्क्स। मतलब आपके 2 राउंड्स के बाद टोटल मार्क्स यानी ओवरऑल स्कोर्स है, अर्जुन 65 मार्क्स, कुशा 60 मार्क्स। तो अब हम आए हैं हमारे आखिरी राउंड पे, विच इज अ स्पीड टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे राष्ट्रीय गीत जन गण मन में कौन सी जगह का नाम सबसे पहले आता है? इन आवर नेशनल एंथम जन गण मन पंजाब। पंजाब। हमारे नेशनल एंथम जन गण मन में जिस जगह का नाम पहले आता है वो जगह है भारत। आपको -5 मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फुटबॉल में रेफरी प्लेयर को कौन से रंग का कार्ड वार्निंग के तौर पे देता है? पीला। एलो एलो नॉटी फेलो। 10 मार्क्स सही आंसर। ये कुशा आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 3,
एंशियंट इजिप्ट में कौन सा जानवर वर्शिप किया जाता था? म्याऊ। ये कौन सा जानवर है म्याऊ? कैट। आंसर बोलो, ये कैसे आंसर दे रही है? घंटी आपने बजाई है। What are you trying to do? बिल्ली। Are you trying to prompt people to give you the right answer? Are you asking me or are you telling me? I'm. It's what minus how much? वही है जो मैं सोच रहा हूँ। बोलो, जोर से बोलो। बोला ना वही। नहीं वो क्या? आपने। अरे जानवर तो वही होगा ना? बिल्ली। दस मार। बोला भी ये सवाल आपके लिए। इसीलिए तो मैंने कहा फिजिक्स पे ध्यान दिया करो। द करेक्ट आंसर वॉज कैट। क्वेश्चन नंबर 4, कम ऑन कुशव, वेक अप वेक अप। एक इंसान की बॉडी में कितनी हड्डियां होती है? कितनी हड्डियां होती है? आई ओनली नो 206। मेनू की पता? मेनू तो सिर्फ बोनी कपूर पता है और कुछ नहीं। 206 is the right answer. आपको मिलता है 10 मार्क्स। चलो आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दुनिया का सबसे बड़ा मैमल कौन सा है? ब्लू व्हेल। मैं अपना नाम लेने वाला था। सही जवाब, ब्लू व्हेल इज द राइट आंसर। और यहाँ पर पानीपत की लड़ाई की तरह पासा पलट गया है। राउंड 3 के मार्क्स हैं। अर्जुन 15 मार्क्स, पूछा 20 मार्क्स। आपके 3 राउंड्स के बाद टोटल ओवरऑल मार्क्स है अर्जुन 80 मार्क्स एंड कुशा आल्सो 80 मार्क्स। इसका मतलब है हमारे इस एपिसोड के विनर्स हैं कुशा एंड अर्जुन। आज बड़ा प्राउड फील कर रहे होगे अर्जुन तुम, क्योंकि ये ऐसे मार्क्स तुमने लाइफ में कभी स्कूल में तो लाए नहीं है। ये कुल मिला के फर्स्ट टू टेंथ मुझे इतने मार्क्स मिले थे। करेक्ट। मैं ये कहना चाहूंगी कि अर्जुन ने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया है मेरे करियर में और मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली है, तो ये उपाधि उनके साथ शेयर करने में मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कुशा का। मैं पहले आपका रिपोर्ट कार्ड पढ़ूंगी। उषा गौरम लाक्षे शुड अटेंड डांस क्लासेस। डीन फाइंड बिल्ली मौसी वेरी क्यूट, शुड बी केयरफुल ऑफ अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर शुड स्टार्ट मेकिंग बागड़ बिल्ला वीडियो। ईट्स अ लॉट इन क्लास, डीन विल कंसीडर फॉर नेक्स्ट फिल्म। शुड लीड विसर्जन डांसेस, आपका नया करियर। मैं बहुत खुश हूँ मुझे ये मिला है, क्योंकि मुझे स्कूल में और कॉलेज में ये नहीं मिला था। हर टाइम है आज की जियोनी सुपर सेल्फी का। डीन होने के साथ साथ मैं डांस क्लासेस भी देती हूँ, तो डांस एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है लाइफ का, जैसे कुशा ने हमें बताया है आज। तो आप दोनों करेंगे एक स्पेशल स्टेप ऑन आवर टाइटल ट्रैक जो आएगा टिकटॉक पर। लेट्स डू इट। लगने वाली क्लास यहाँ, बड़े बड़े सितारों की। लगने वाली क्लास यहाँ, बड़े बड़े सितारों की। तो आज का एपिसोड यहाँ होता है खत्म, पर सीखना तो चलता रहेगा, क्योंकि लाइफ में स्कूल में सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, और अगर फिर भी कुछ नहीं सीख पाए तो अगला एपिसोड तो है ना फारा। तो गुड बाय एंड गुड लक स्टूडेंट।